हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी झटपट बनने वाली पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये बिल्कुल हटके रेसिपी मैं आज बता रही हूँ आपको। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, और ये विदाउट अनियन गार्लिक है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 पाव के करीब पालक ले लिया है, 2 बंच इसमें आ गया था। पत्ती तोड़ने के बाद ये 250 ग्राम हो गया है। और हमने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्ची लिए हैं और 8 से 9 काजू लिए हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से अदरक भी लिए थे, तो वो दिखाना भूल गई हूँ। और ये 1 पूरा 200 ग्राम का पनीर हमने लिया है, मलाई पनीर। तो सबसे पहले पानी गर्म कर लेंगे और इसमें हम पालक के पत्ते को बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों, पालक पनीर तो सब लोग बना लेते हैं, ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें अलग क्या है। तो जब तक हमारे इधर पालक बॉईल हो रहा है, सेम एक कढ़ाई में हम पानी रख लेंगे और इसमें हम टमाटर और काजू को बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, मसाला बहुत ही स्मूथ बनेगा। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना लें। 5 मिनट में दोनों बॉईल हो जाएंगे साथ के साथ। को भी ढक दे ताकि टमाटर जल्दी से बॉईल हो जाए। तो ये देखिए, हमारा पालक बिल्कुल बॉईल हो गया है। इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, गरम गरम में पीसेंगे ना तो क्या होता है, उड़ जाता है वो ग्राइंडर से। तो इसको अच्छे से ठंडा कर ले। अगर आप चाहे तो इसे बर्फ के पानी में भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ना हो तो। तो सारी प्रिपरेशन जब तक ये ठंडा हो जाता है ना, तब तक बीच में कर लेना चाहिए। हमारा टमाटर और काजू भी बॉईल हो गया है, बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं इसमें। ये देखिए, इसके छिलके उतर गए हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा कर लेंगे। किसी भी गर्म चीज़ को अगर हम मिक्सी में पीसते हैं ना, तो स्पिल आउट हो जाता है, फैलने लगता है, बहुत ज़्यादा उड़ जाता है। तो इसे भी एक एक करके निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम थोड़ी सी घी डाल लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कच्ची पनीर अच्छी नहीं लगती है। तो आप बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई कर सकते हैं पनीर के क्यूब्स को। तो ज़रूर इस तरीके से करके देखें, एक बार मेरे तरीके से बना के देखें, आपका पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा और इजी रेसिपी है ये। तो मैंने बिल्कुल 3 से 4 मिनट इसे फ्राई किया होगा, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं हुआ होगा पनीर का। अब मैं सेम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ और छोटा सा चम्मच जो है इसमें 1/4 चम्मच के करीब जीरे का तड़का लगाया हमने, और 1/4 चम्मच हींग डालूंगी, क्योंकि मैं विदाउट अनियन गार्लिक रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो हमने टमाटर, काजू और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था ना, इस टाइम में यहाँ पर डाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी जो है। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि पालक गल के थोड़ी सी हो जाती है। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे यहाँ पे। थोड़ी सी हल्दी डाल दें नाम के लिए। और इसमें अब जाएगा यहाँ पे धनिया का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सब्जी मसाला। मैंने ये सब्जी मसाला घर पे बनाया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और थोड़ी सी मैं तीखी करने के लिए इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। वैसे तो हमने एक हरा मिर्चा पीसा ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालने से क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च बिल्कुल भी ना डालें। मसाले को बिल्कुल पकने दे ढक के, क्योंकि हमने टमाटर पीस के डाला है ना, जब पीस के डालते हैं तो बहुत ज़्यादा उड़ता है। ये थोड़ी सी नटमेग पाउडर है दोस्तों, जायफल का पाउडर इसमें ज़रूर डालें, ये इसकी खास रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब नटमेग का पाउडर डाला है। आपके पास पाउडर ना हो तो आप ऐसे कूट के भी डाल सकते हैं जायफल को। तो ये देखिए, बिल्कुल मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारा मसाला भुनना शुरू हो गया है। लेकिन इस टाइम तक नहीं, और हम इस मसाले को भूनेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने गरम मसाले डाल दिए हैं, ये
गरम मसाला, शाही गरम मसाला करके बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसको अच्छे से भून लें, मसाला बहुत ज़रूरी है भूनना इस रेसिपी में। फिर भी हमारा तेल जो है ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा और भून लेंगे, बिल्कुल से इसका जो पानी दिख रहा है ना वो बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए मसाला किस स्टेज तक आ गया, उसका पानी सारा सूख चुका है। तो पालक को ग्राइंड कर ले, पीस ले, इस स्टेज में हम इसमें पालक डाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी अगर आप मेरे तरीके से एक बार बनाएं, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनेगी ये सब्जी। थोड़ी सी आप पानी डाल ले जो जिस ग्राइंडर में आपने पीसा था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, तो ये मक्खन मैंने डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा मक्खन डालने से इसका जो ग्रेवी का टेक्सचर आता है ना बहुत ही क्रीमी होता है। तो जो हमने पनीर को फ्राई किया था इस टाइम में डाल लेंगे मक्खन के साथ साथ ही, इसे चला लेंगे और इसे ढक के 5 से 6 मिनट पका लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए हमारा पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसमें एक चीज़ और करनी बाकी है, तो सबसे पहले इसे सर्विंग बाउल में हम निकाल लेंगे, उसके बाद जब परोसने लगेंगे ना तब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो ये है ना, ये कितना क्रीमी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों, यकीन मानिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा चम्मच भर के घी ले लिया है, घी बटर तेल इसमें भर भर के जाएगा। तो ये घी जब मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तब हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल लेंगे। हींग हमने शुरू में भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा हींग डाल लें और 2 से 3 लाल मिर्ची को ऐसे तोड़ के डाल लें। और गैस ऑफ करके इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लें, गैस ऑफ करके ही डालें वरना ये जल जाएगी। तब हम इसमें तड़का लगा लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल ये बनके रेडी है। आप इसे नान के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या फिर सिंपल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।